यही साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट्स का एक एनालिसिस करते हैं। मैं जब लास्ट 5 साल 6 साल के क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे यहाँ पे मिला कि 2 ऐसे सवाल हैं जो कि हर साल 15 और 8 नंबर में, कभी कभी दोनों में, यानी कि कम से कम एक सवाल इससे लॉन्ग वेरी शॉर्ट में आना है, कन्फर्म आना है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि उस प्रश्न को पूछा कैसे गया है और साथ ही साथ हम क्वेश्चन पेपर का भी आपको कटिंग शेयर करेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सवाल पूछे गए हैं आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में 15 नंबर और 8 नंबर में सवाल पूछे गए। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिपीट करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट्स एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और इन्वायरमेंटल स्टडीज मतलब प्राइवेट शिक्षा। बात तो सही थी, चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके वो इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं, आइए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं कि किस प्रश्न की बात की जा रही है और कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि मज़ा आ जाएगा, हर साल पूछता है। तो भैया कौन सा वो प्रश्न है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कौन से प्रश्न की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इन दो प्रश्नों को देखिए, ये प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं, ये प्रश्न है क्या? इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रश्न क्या है? इसमें कह रहा है कि शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, क्लियरिफाई द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कितना आसान सा सवाल है और कितनी बार पूछा है। और दूसरा सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक ढांचा। यही वो दो सवाल है बच्चों। पहला सवाल ये था कि राज्य में, यानी कि शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका, क्लियरिफाई द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशन, मतलब राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार अपना भूमिका निभाता है, क्या क्या व्यवस्थाएं करती है, क्या क्या नियुक्ति करती है, क्या क्या जिम्मेदारी होती है एक राज्य सरकार की, ये जनरल से सवाल। और दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य की, तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या करिए। अब ये देखिए कि आप इसको पूछा कितनी बार गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, 17 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 21 में भी, यानी कि 17, 18, ऊपर देखें 19, 20, 21, 22, ये दोनों ऐसे सवाल हैं बच्चों जो कि कई बार हर साल रिपीटली पूछे गए हैं। उसके साथ ही साथ एक बार इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, लेकिन सवाल वही है। सवाल क्या था कि शिक्षा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की व्याख्या करना था, इस प्रकार से सवाल पूछा था। तो आपने देखा कि राज्य सरकार के बारे में, कि राज्य सरकार की शिक्षा क्षेत्र में क्या भूमिका होती है, और उत्तर प्रदेश के राज्य के शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या करना, इन दो प्रश्न को। अब जिस प्रकार से राज्य के बारे में पूछा है, ठीक उसी प्रकार से केंद्र के बारे में पूछता है कि केंद्र की शिक्षा के बारे में आप व्याख्या करिए और केंद्र के प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या करिए और केंद्र की शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो ये देखिए केंद्र के बारे में सवाल क्या पूछा। एक बार आपसे शिक्षा मंत्रालय के कार्य, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज क्या होता है, एजुकेशन मिनिस्टर्स उनके कार्य क्या होते हैं, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के कार्य को 2020-21 में पूछा गया था। और दूसरा देखिए, दूसरा जिस प्रश्न की हम बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक संरचना की व्याख्या करिए और शिक्षा में केंद्रीय सरकार की भूमिका को स्पष्ट करिए। अब यहाँ पे वीडियो को समाप्त किया जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद की, दो प्रश्न, एक है कि प्रशासनिक संरचना की व्याख्या और भूमिका की व्याख्या है, मतलब अगर हम केंद्र की प्रशासनिक संरचना और केंद्र की भूमिका और साथ ही साथ राज्य की प्रशासनिक संरचना शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा में राज्य की भूमिका, इन चार प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके 30 नंबर तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक सवाल शॉर्ट में 8 नंबर और एक सवाल लॉन्ग में यानी कि 15 नंबर, यानी कि आपको टोटल 23 नंबर तो यहाँ से कन्फर्म हो जाने हैं। ठीक है, अब आइए, अब मैं आपको साथ ही साथ वो दिखाता हूँ जो कि एग्जाम्स पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, इससे और क्लियर हो जाती है, हो सकता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, करेक्ट, वाह, मतलब मैं झूठ बोलूँगा, बहुत अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे गए थे। ठीक है, इससे और कन्फर्म हो जाता है, यार झूठ और सच की बात है, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। और एक और चीज़ मैं रिपीट करता हूँ कि मेरे पास पिछले 2017 से लेके 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन 6 सालों का क्वेश्चन पेपर है, अनसॉल्व है मेरे पास। और अच्छी बात यह है कि पीडीएफ की फॉर्म में है, तो जिन बच्चों को चाहिए
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का। जिन बच्चों को चाहिए अनसॉल्व पिछले 6 सालों का क्वेश्चन पेपर, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है। अवध विश्वविद्यालय के बच्चे खास तौर पर आप वहाँ से जुड़िए और मुझे मैसेज करिए, नहीं भी मैसेज करेंगे तो भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले थे, अब हम देखने वाले थे क्वेश्चन पेपर के कटिंग को, कि क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा कैसे गया और वास्तव में पूछा भी गया है कि नहीं पूछा गया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपके पास 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसका सेक्शन सी का मैं आपके पास कटिंग यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब सेक्शन सी में आप देखेंगे, सॉरी सेक्शन बी यहाँ पे लिखा है ना, सेक्शन बी में 8 नंबर के एक सवाल पूछे गए थे। वो कौन सा सवाल था बच्चों, आइए देख लेते हैं। वो सवाल आपका क्या था कि शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका को स्पष्ट करिए। अवध विश्वविद्यालय 2022 के पेपर है ये, कि शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका को स्पष्ट करिए, ठीक है। आप देखिए 8 नंबर में ये सवाल पूछा गया था 2022 में। अब ये जो है आपका, ये 2021 का है। 2021 में कैसे पूछा था, 2021 में आपसे पूछा था कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या करिए। बात समझ में आई, राज्य सरकार की भूमिका और प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या, यही दो प्रश्न देखिएगा आप, ऐसे ही पूछा भी गया। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अगर इसी के साथ हम आगे बढ़े थोड़ा सा, ये देखिए 2020 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और 2020 के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के शैक्षिक, यहाँ पे आइए जरा इसको और ऊपर कर लेते हैं, चलो बाबू ऊपर चलो, चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के शैक्षिक प्रशासकीय ढांचे की ढांचे पर नियम निबंध लिखिए। बात तो वही है ना, निबंध लिखिए, व्याख्या करिए, निबंध, बात तो वही है। यानी कि आपसे क्या पूछा है कि राइट एन एस्से ऑन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। आपने देखा ये 2019 का था ना, जी हाँ ये 2020 का था, करेक्ट 2020 का। 2019 में देखिए, ये कौन सा है, ये 2019, करेक्ट 2019 में सेक्शन सी में पूछा है। 2019 के सेक्शन सी में प्रश्न कहाँ पूछा है, यहाँ पूछा। इस बार कहाँ पूछ दिया, केंद्र की शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासकीय संरचना। समझ में आ गई बात, प्रशासकीय संरचना और शिक्षा में भूमिका दो ही चीज़ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। प्रशासकीय संरचना पूछे या फिर भूमिका पूछे, केंद्र सरकार की पूछे या राज्य सरकार की पूछे। अब एक ही वीडियो में, एक वीडियो में तो मुश्किल है, तो 4 वीडियो करना पड़ेगा। एक वीडियो में राज्य सरकार की भूमिका और एक वीडियो में राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना, दूसरे वीडियो में केंद्र सरकार की भूमिका और दूसरे वीडियो में केंद्र सरकार की प्रशासनिक संरचना, ठीक है। इसको हम ऐसे देखेंगे। तो ये हो गया आपका 2019 का पेपर। चलिए ऐसे ही थोड़ा बहुत, अच्छा हाँ यही मैं कह रहा था, यही मैंने नोटिस किया था कि 2019 में सेक्शन सी में भी पूछा था 15 नंबर में, और 2019 में ही सेक्शन बी में भी पूछा था। ये देखिए सेक्शन बी में भी पूछा था, कहाँ पूछा था, ये रहा राष्ट्रीय, नहीं कहाँ गया, हाँ शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका को स्पष्ट करी। तो ये मैं दिखाने वाला था कि 15 नंबर और 8 नंबर दोनों में पूछा था, चलिए 2019 में। इसके अलावा 2018 में भी पूछा था, 2018 में भी देखेंगे सेक्शन सी में आपसे सवाल पूछा है, क्या पूछा है कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र के प्रशासनिक संरचना, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया 2018 में। अब 2017 भी देख लेते हैं, एक और बचा 2017। तो नहीं, 2018 में भी 2 बार पूछा था, मतलब सेक्शन बी में भी पूछा था, ये रहा सेक्शन बी में भी 2018 में 2 बार पूछा था। तो आप यहाँ से श्योर हो गए होंगे, स्पष्ट होंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो कि मैं कभी नहीं बोलता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, सच्चाई, सच्चाई, आई कैन डू एनीथिंग फॉर सच्चाई, फॉर द ट्रूथ, सो आई नेवर लाई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 2017 में, 2017 में कहाँ पूछा था, राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासकीय संरचना की विस्तृत व्याख्या करिए। आपने क्या देखा, प्रशासकीय संरचना और भूमिका, शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका किसकी, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की। तो ये रहा आपका टोटल प्रश्न। एक बार फिर से आ जाते हैं इस वाले पीडीएफ पे, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस पीडीएफ पे हम आ जाते हैं, अब इसको ख़त्म कर लेते हैं। आपने समझ लिया कि कम से कम 2 सवाल तो यहाँ से पूछे गए हैं कई बार, और राज्य सरकार केंद्र सरकार की प्रशासनिक संरचना पूछ रही है, शिक्षा की भूमिका। तो हम इसको रेडी करेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए, घंटी वाले आइकॉन को दबाइए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और ऐसे ही हम अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और खास रिक्वेस्ट, जो लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अवध विश्वविद्यालय के प्यारे बच्चों, आप वहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। तो क्या करें, इस वीडियो को समाप्त करें, चलिए बच्चों समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आंसर के साथ। तो सबसे पहले किसका आंसर बनाते हैं, चलो पहले उत्तर प्रदेश की और राज्य सरकार की बना लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा है।
पूछा केंद्र भी है लेकिन राज्य और उत्तर प्रदेश वाला ज़्यादा पूछा है, तो राज्य और उत्तर प्रदेश को डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को यहीं क्या करते हैं बच्चों, समाप्त किया जाए। चलिए कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। लाइक करके आप मुझे मेरे हौसला अफजाई कर सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं आप मुझे मतलब अभिप्रेरणा मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं आपके लाइक से। और कमेंट में मुझे बहुत खुशी होती है, आपके कमेंट पढ़ के आपकी तरफ से कुछ जवाब आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में इस कांसेप्ट के साथ। तब तक खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए, अपने साथियों को जोड़िए इस चैनल से, अपने दोस्तों को जोड़िए और एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। सब बखैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत साथियों। रमज़ान और नवरात्रि की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।